जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा तो MI A3 के वीडियो के कमेंट्स बहुत सारे आए हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं कंक्लूजन करके कुछ सवाल मैंने लिया हूं, तो उसी का सॉल्व करने जा रहा हूं। यहां पर मैं एक एक करके बताते जा रहा हूं कैसे कैसे सेटअप आपको करना है, कहां पर आपको दिक्कत आ रहा है, तो सारे फीचर्स को कवर करने के लिए कोशिश करूंगा। वीडियो को फटाफट कर दीजिए लाइक, चैनल के साथ बने रहना और आपको आगे भी इसी टाइप का वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करिए और साथ में ये बेल बटन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन में क्लिक कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो अपने चैनल पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन। सबसे पहले आपको चले जाना है होम स्क्रीन पर, यानी होम सेटिंग के अंदर जाके आपको यहाँ पे चेक करना है, नोटिफिकेशन डॉट्स के ऊपर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको चेक करना है कि ब्लिंक लाइट ऑप्शन आ रहा होगा, इसको इनेबल कर देना है। ऑफ होगा तो इनेबल कर दीजिए। जब भी आप चार्जिंग करोगे, सिंगल लाइट एक आता है, जब आप चार्जिंग करोगे या आपको भी कॉलिंग कर रहे हो या आपका कोई नोटिफिकेशन आया तो यहाँ पे आपको ब्लिंक करेगा, तो ये ऑप्शन आपको ऐसे ही सेटिंग करना होता है। अगला फीचर जो है, हर बार मैंने 3-4 बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रॉ में 6 आइकन कैसे रखा, तो इसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे चले जाना है, चले जाने के बाद अबाउट फोन, तो इसके अंदर आपको बिल्ड नंबर को 7 बार टैप करना है। जब आप टैप करोगे डेवलपर ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा। फिर इसके अंदर सिस्टम एडवांस, एडवांस के अंदर जाकर डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है। तो यहाँ पर जब जाओगे तो नीचे थोड़ा सा चेक कर लेना, यहाँ पे स्मॉलेस्ट विड्थ को क्लिक करना है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट विड्थ को क्लिक करना है, आपका 360 होगा, मैंने यहाँ पे 490 दे रखा हूँ, ताकि ये 6 आइटम यानी कि 1 किलो में आ जाता है। यहाँ पे आप करके वो चीज़ फिक्स कर सकते। कई सारे यूजर का जो कहना है कि यहाँ पर वेदर शो नहीं हो रहा है, ओनली खाली जो कि आपको टाइम और डे वगैरह पता चलता है, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, परफॉर्मेंस ऑप्शन शो कर जाएगा, क्लिक करना है। तीनों ऑप्शन को मतलब बैक कर जाना है, यानी कि डिजेबल करना है, फिर इनेबल करना है, बैक जाना है, एक बार रिस्टार्ट मार देना है फोन को, रिस्टार्ट मैनुअल यहाँ पे प्रेस करना है और यहाँ पे रिस्टार्ट मारना है। ऐसे आपको रिस्टार्ट करोगे तो आप वेदर जो भी वहाँ पे शो कर जाएगा वेदर। दोस्तों यहाँ पर और एक सवाल है मेरे पास कि एक यूजर ने बोला है कि जो इसका लॉक स्क्रीन है, जिससे हम लॉक स्क्रीन के ऊपर चले गए, तो यहाँ पर जो कहता है कि इसके अंदर जो वॉलपेपर है वो सही तरह दिखता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने ऑल नोटिफिकेशन को अलाउ कर दिए होंगे तो यहाँ पर इतना जगह तो नोटिफिकेशन ले रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपने यहाँ पर इनेबल करके जैसे हम चले जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे जाके आपको सिक्योरिटी एंड लोकेशन में जाना है, लॉक स्क्रीन परफॉर्मेंस पे जाना है। यहाँ पे लॉक स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मैंने हाइड कर रखा हूँ डोंट शो। यहाँ पे अगर शो ऑल नोटिफिकेशन कर दूँ फिर दोबारा जाऊँ वो लॉक स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखिए ये सब आ गया, तो वॉलपेपर ढक गया या वॉलपेपर सही तरह वॉलपेपर आपका छुप गया बैकग्राउंड में, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो रहा है, तो इस बच में आपको वो शो नहीं होगा। तो इसीलिए आपको नॉर्मली उसी में जाना है, आपको यहाँ पे यहाँ से लॉक स्क्रीन परफॉर्मेंस को यहाँ पे डोंट शो कर देना है। जब आप करोगे तो आपका लॉक स्क्रीन के अंदर जो भी वॉलपेपर आप सेट करोगे तो यहाँ पर आपको वो दिख जाएगा क्लियरली। दोस्तों यहाँ पर कुछ यूजर ने मेरे को कमेंट किया है कि पिक्सआर्ट के थ्रू अगर कोई एप्लीकेशन यानी कोई फोटो वगैरह बनाते हैं या कुछ एडिट करते हैं, आपको गैलरी के अंदर मिलता नहीं या प्रोफाइल के अंदर मिलता नहीं, तो मैं आपको उनको एक छोटा सा रिव्यू करके दिखाता हूँ। जैसे पिक्सआर्ट ओपन कर लिया, यहाँ पर प्लस बटन पे गया, कुछ एडिट करना है मुझे, कुछ लिखना है, यहाँ पे प्लस बटन में जाने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है अभी जस्ट ए मिनट। जैसे यहाँ पे मैंने एक ग्राफिक ले लिया, ठीक है, ब्लू कलर ले लिया, इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, कुछ भी आप हमें यहाँ पे एडिट करना है, तो यहाँ पे आशीष लिख दिया मैंने। मैं फाइल क्रिएट करने के बाद मैंने सीधा जाता हूँ, टिक मारता हूँ, टिक मारने के बाद फिर दोबारा एक टिक मारता हूँ, यहाँ पे एडवर्टाइज वगैरह आ रहा है, छोड़ो, यहाँ पर आपको डन करना है। डन करने के बाद आर यू श्योर, तो यहाँ पे सेव करना है। जब आप सेव कर लोगे वो फाइल ऑलरेडी आपके प्रोफाइल में चला जाएगा, यानी कि आपके गैलरी के अंदर चला जाएगा। मैंने गैलरी को ओपन किया, जैसे ओपन किया यहाँ पे देखिए पिक्सआर्ट की फाइल मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, ओपन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता देता हूँ, एक फाइल है जो कि आप नॉर्मली कोई भी साइट से आप वीडियो डाउनलोड करते हो, जैसे टिकटॉक मैंने ओपन किया, यहाँ पर टिकटॉक ओपन कर लिया, टिकटॉक ठीक है मेरा घाटा हो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अगर इस फाइल को हम डाउनलोड करना चाहेंगे तो हमें क्या करना है, शेयर बटन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव वीडियो आएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा। दोस्तों आपको इसके लिए क्या है, आपको MX प्लेयर आपके फोन के अंदर होना जरूरी है, और गैलरी एप्लीकेशन तो मैंने ऑलरेडी पिछले दिनों वीडियो में बताया था, जो वन प्लस की गैलरी एप्लीकेशन को इसको MI A3 के अंदर आपको इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर आपको जब भी आप वो वीडियो मैंने डाउनलोड किया तो इसके अंदर आपको जाके चेक करना है, फाइल ऑप्शन आता है, फाइल मैनेजर, आप MI फाइल मैनेजर
इंस्टॉल कर सकते हो, और अदरवाइज आप इसके अंदर सेटअप करके, इसके अंदर एक फाइल ऑप्शन आता है, आप उसको चेक कर सकते हो। इसके अंदर भी आप बड़े आसानी से देख सकते हो जो भी फाइल आपने अभी डाउनलोड किए, वीडियो पे क्लिक किए, वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ जाता है। तो ये फीचर्स आपको आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि फाइल क्यों नहीं मिल रहा है, तो सेटअप यही है, आप अगर इस टाइप का सेटअप करेंगे नहीं तो आपको ये डिटेल्स नहीं मिल पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हो गया हो। तो अगर दोस्तों इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो, MI A3 यूजर है, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। बस मिलूंगा अगले वीडियो से, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।